लाइक कमेंट कुछ भी करो, बस मेरे को कमेंट और लाइक चाहिए आपकी, लाइक या डिसलाइक जो भी। हेलो मेरे भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। सो आज मैं आ चुका हूँ सेवन द कैफे। थाला फॉर रीजन हो सकता है ना इसके पीछे भी, कमेंट करके बताओ। तब तक मैं अंदर जाके डिलीशियस फूड ऑर्डर करता हूँ और आपको टेस्ट करके रिव्यू देता हूँ कि कैसा है। तो चलो अपने चलते हैं अंदर। तो फाइनली अपने आ चुके हैं द सेवन द कैफे में। यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे को तो लग रहा है थाला फॉर रीजन है इसके पीछे भी। आप लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ के अपने मेन्यू देखते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज है और बहुत ही देखो कॉफी है, फिर बाद में है क्विक बाइट्स में फ्रेंच फ्राइज, पहले पहले फ्रेंच फ्राइज, फिर बाद में सैंडविचेस, पिज्जा, बर्गर एंड वॉफल, कुल्लड़ पिज्जा, रैप्स, ये सब अपने ने खाया हुआ। बट यहाँ की जो मेन बात है ना, यहाँ पे आपको जो वाइब आएगी साथ ही में बहुत ही सही है। लाइक अपने फ्रेंड्स फैमिली और समझ जाओ जिनके साथ आना है, अभी अभी वैलेंटाइन गया है तो आप सबके साथ आ सकते हो। बाकी सब जगह यार कितनी बार उसको स्टारबक्स लेके जाओगे बहुत पैसा कर चुका। यहाँ पे आपका पॉकेट फ्रेंडली भी है और साथ में बहुत सारे कॉम्बोज भी है। मैं आगे आपको पूरे वीडियो में बताता जाऊंगा कि कौन से है। फिलहाल मैं ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने ऑर्डर कर दिया है। एक है चीज गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड भाई कंफर्टेबल फूड है। साथ में लाइक चॉकलेट शेक तो हर बार पीते थे, एक बार स्ट्रॉबेरी शेक मैंने ऑर्डर किया है और साथ में एक आलू टिक्की बर्गर। लाइक मैकडी की और उधर खा के बोर हो गया हो तो कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो अभी जाके उसकी मेकिंग देखते हैं और साथ में मैं आपको पूरा यहाँ का एड्रेस वेड्रेस सब आगे बताऊंगा। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक करो एंड थाला फॉर रीजन। तो फाइनली अपना ऑर्डर आ चुका है। लाइक बर्गर देख के बहुत ही सही लग रहा है, तीनों चीज देख के बहुत ही सही लग रही है। अब मैं कंफ्यूज हूँ हर बार की तरह कि टेस्ट करना कहाँ से स्टार्ट करूँ। लाइक मीठे का सबसे लास्ट में रखते हैं हर बार मीठे से स्टार्ट करता हूँ, इस बार नहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा। गार्लिक ब्रेड कम्फर्ट फूड, गार्लिक ब्रेड। लाइक बहुत टाइम से वो गार्लिक ब्रेड खाने की इच्छा थी और फाइनली आज यहाँ पे आके खा रहा हूँ। प्रॉपर चीज जो गार्लिक का टेस्ट आना चाहिए, एकदम ना कम ना ज्यादा। लाइक कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे गार्लिक एकदम वो तीखा बना जाता है, फिर मुंह पूरा एकदम बिगड़ जाता है, तो फिर दूसरी चीजें खानी पड़ती है। बट ये मैं पूरा चारों अकेले खा सकता हूँ। अब देखो ये बर्गर की साइज, इतना बड़ा बर्गर है, मेरा इतना पेट पूरा कवर कर रहा है कि मैंने एकदम चिपका के रखा, एकदम मुंह के पास रखा है और इसको भी इन्होंने दबाया है। पोस्टमार्टम के इतना खाने में क्या ही मजा आता है। सॉसेस बहुत सारे यूज किए हैं जो इन्होंने सॉस लगाया, बहुत सही है। मेयो का टेस्ट आ रहा है, साथ में पैटी उसको एक बार क्रिस्पी है बट एक और बार टेस्ट करते हैं क्योंकि ऊपर का भी क्रिस्पी है, अंदर पेटे भी क्रिस्पी है, तो एकदम क्रंची क्रंची टेस्ट है, बहुत सही है। टॉपिंग तो पता ही नहीं गिरती जमे पे। बर्गर खा लोगे ना आप अकेला पेट भर जाएगा। मैं तो मेरा बता रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी अच्छी है जो मैं इतना सह सकता हूँ कि हाँ ये बर्गर खा लिया, मार ये खा लिए। बर्गर का टेस्ट बहुत सही है। तो अपने साथ यहाँ पे अभी अपने भाई भी है जिन्होंने पिज्जा खाया, उनको पिज्जा खाया, पिज्जा अभी ऑर्डर किया है, साथ में बर्गर खाया। भाई कैसा लगा?
गार्लिक ब्रेड पिज्जा एक बार लोकैलिटी अच्छी है शामल के पास है, आपको प्रॉपर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो मैं एंड में आपको प्रॉपर स्क्रीन पे एड्रेस लिख के दूंगा और बता भी दूंगा। अभी पूरा ध्यान खाने पे, तो अगर आप लोग इसको खाने यहाँ पे नहीं भी आ सकते जो कि मैं बोलूंगा कि एक बार जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आना, अगर कोई उससे आपको खाने का मन है बट आप नहीं निकल सकते घर के बाहर, कर्फ्यू लग जाता है लोगों के घर पे तो आप लोग जोमेटो या स्विगी भी करके इसको अपने घर पे मंगा सकते हो, वर्थ इट है, मजा आएगी। तो फिर ही जाता है मेरे खाते का कॉम्बो ऑफर भी बहुत सारी है, इसको खत्म करके मैं बताता हूँ। सो बर्गर तो अपने से नहीं खत्म हो पाया, बहुत ही ज्यादा हैवी पड़ रहा है मेरे को, साथ में मेरे को अभी तो ये दो गार्लिक ब्रेड भी खाने हैं, शेक भी खत्म करना है, बट कॉम्बो यहाँ पे बहुत सारे हैं और ये एटलीस्ट हर महीने पे चेंज होते रहते हैं। फिलहाल चल रहा है बर्गर और कोल्ड कॉफी आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएगी, बहुत ही सस्ता है यार और अफोर्डेबल है, मोस्ट ऑफ पीपल को यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए। और ये एक ही नहीं, यहाँ पे आपको साथ में बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड कॉफी कितने का होगा ये क्या लगता है, 150 नहीं उससे भी सस्ता 139, तो वो आके आप जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पे आपको बर्गर, पिज्जा और कोल्ड कॉफी, सोचो आपको पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, कोल्ड कॉफी मिल रही है, कितने में? बाहर आप खाने जाओगे ना तो आपका अराउंड 250 प्लस जाएगा, यहाँ कितने मिल रहा है 149। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। यहाँ पे आपको दो पिज्जा फ्रेंच फ्राइज मिलेगी, कितने में? दो पिज्जा का आप अप्रोक्स प्राइस लगाओ तो 250 अप जाएगा, 250, और साथ में फ्रेंच फ्राइज लो तो 60-70 की तो हर जगह आती है, यहाँ पे कितने में मिलती है 199 में आपको दो पिज्जा प्लस फ्रेंच फ्राइज, एकदम भुक्का बोलते हैं ना गुजराती में भुक्का गाड़ी नाचित वैसी ऑफर है ये। साथ में एक और ऑफर है, एक और लास्ट आपके लिए, सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज की, सैंडविच होगा और फ्रेंच फ्राइज होगी, एकदम जिसको सैंडविच अच्छी लगती है सैंडविच का है, फ्रेंच फ्राइज अच्छी लगती है फ्रेंच फ्राइज का है, जिसको दोनों अच्छा लगता है वो कॉम्बो का है, कितने में? 149 में। सो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं और बोलने बोलने में मैं मेरा बर्गर तो रुको, अभी तो मैंने आपको ये स्ट्रॉबेरी शेक का रिव्यू दिया है, नहीं और शेक टेस्ट करते हैं मिलके। सेवन द कैफे, मैं जब भी सेवन सोचता हूँ ना सारा फॉर रीजन मेरे को याद आता है, अब आप लोग बताओ आपको कितना याद आता है नहीं वो कमेंट करके बताओ, साथ में वीडियो भी आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करो कमेंट करो, खराब लग रही है तो भी डिसलाइक कमेंट कुछ भी करो, बस मेरे को कमेंट और लाइक चाहिए आपकी, लाइक या डिसलाइक जो भी। तब तक स्ट्रॉबेरी शेक, एक्सप्रेशन बता देता है आपको कैसा लग रहा है उसको, खाने वाले को कैसा लग रहा है, तो अभी मेरा एक्सप्रेशन ही बोलेंगे थोड़ी देर तक, मैं इसको सूप ले लेता हूँ। रिफ्रेशिंग भी है, अच्छा भी है, ज्यादा स्वीट भी नहीं है, टेस्ट इसका मजा आ जाएगी, लेकिन मैं बहुत टाइम बाद कोई स्ट्रॉबेरी वाली आइटम खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, वरना मेरा हर बार का चॉकलेट होता था, चॉकलेट ही होता था, मैं एकदम चॉकलेट ही पाई इसके लिए तो लाइक इसको खत्म करते हैं, फिर आपके आगे प्रॉपर लोकेशन बताता हूँ। मैंने सब मेरे आइटम जितने भी थे सब खत्म कर लिए, अब तक मेरा शेक बाकी है शेक, बट आपको यहाँ की सबसे एक मेन बात बतानी थी मेरे को कि लाइक जो यहाँ के जो मैंने अभी जैसे कि गार्लिक ब्रेड खाया तो उसका जो ब्रेड था, जो पिज्जा का डो होता है वो लोग खुद यहाँ पे फ्रेश बनाते हैं, आपको चाहे गार्लिक ब्रेड खाओ, मैंने वो भी खाया था बर्गर, उसका भी वो लोग यहाँ पे खुद बेक करता है और फिर तो वो एकदम फ्रेश होता है, जो बाकी सब जगह आपको लाइक पहले से बना हुआ होता है और फिर मिलता है, तो उस क्वालिटी में मेरे को यहाँ की ये काफी अच्छी बात लगी, लाइक मेरे को जस्ट पता लगा कि यहाँ पे खुद ही बेक करते हैं और खुद ही फिर फ्रेश रहता है। सी ये थे वो डिलीशियस कॉम्बो ऑफर, कितना प्यारा दिख रहा है रे ये आपके एड्रेस, सो
सो मैंने आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, देनी चाहिए थी, और जो नहीं भी देनी चाहिए थी वो सारी दे दी। ऐसा कुछ नहीं देने वाले थे, नहीं थे, मैं मस्ती कर रहा था। आपको मैंने यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप लोग कॉम्बोज खाओ, जो भी मेन्यू इनमें भंडार है पूरा, बहुत सारी चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप लोग डेफिनेटली आके एक बार टेस्ट करो और बोल देना कि मेरी वीडियो देख के आ गए थे, मेरे को खुशी मिल जाएगी। आप लोग बोलोगे ना तो ऐसे अंदर से हो जाएगा कि अरे किसी ने बोला, ऐसे हिचकी आने लगेगी। तो डेफिनेटली आप लोग इधर आना। अब मैं अपना बस्ता उठाता हूँ और यहाँ से अपने विदाई लेते हैं, मिलते हैं और किसी अगले वीडियो में। लेके यार यहाँ पे इतनी प्यारी फोटो आएगी ना, मेरे मैंने फोटोज खींची है, इंस्टाग्राम पर डालूंगा, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, कैसे कोई फॉलो कर लेना। और यहाँ की फोटोज देखने के लिए आपको इंस्टा पे ही जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे नहीं डालने वाला मैं। कमेंट करो डालो या नहीं डालो, फिर सोचूंगा मैं। चलो तो अपने मिलते और किसी अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, ऐसे से लव यू ऑल।